IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में सरकारी हिस्सेदारी की सेल्स ऑफर से सरकार को 4,374 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। यह सेल्स ऑफर शुक्रवार को बंद हो गया। सेल्स ऑफर के तहत सरकार ने कुल मिलाकर 20% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की। इसके लिए मिनिमम शेयर 13,067 रुपए प्रति शेयर रखा गया। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी के सचिव तुहिन कान पांडे ने ट्वीट के जरिए कहा, IRCTC का OFS रिटेल इन्वेस्टर 109.84% के साथ बंद हो गया। हम इस सौदे को सफल बनाने और भागीदारी करने के लिए सभी निवेशकों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा है, इस सेल्स ऑफर के पूरा होने के साथ ही IRCTC सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम का पालन करने वाली कंपनी बन गई है। IRCTC में सरकार की 87.40% हिस्सेदारी भी है। सेबी के नियम के तहत उसे अपनी हिस्सेदारी को कम करके 75% करना था। भारत सरकार इस सेल्स ऑफर के तहत कुल अपने 3.2 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी, जिससे उसे 4,374 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। कोविड-19 के कारण सरकार के खजाने पर काफी असर पड़ा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपए सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से आने हैं, जबकि 90,000 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचने से ही प्राप्त होगी। जानकारी के लिए बता दें कि IRCTC भारतीय रेलवे द्वारा खाने की सेवाएं, ऑनलाइन रेलवे टिकट, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में पानी की बोतल उपलब्ध कराने वाली एकमात्र इकाई है, जिसे अक्टूबर 2019 में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी ने IPO के माध्यम से 645 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।